सुनकर आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, बुरा भी लगेगा, लेकिन जानना पड़ेगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने रेप के बाद होने वाली हत्याओं पर बड़ी अजीब बात कही। सीएम को लगता है कि हत्याएं बढ़ी हैं क्योंकि रेपिस्ट को फांसी देने का कानून बन गया है। गहलोत के बयान के पीछे की सोच को समझेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ सवाल। गहलोत जो ये कह रहे हैं, आखिर क्यों कह रहे हैं? क्या वाकई रेपिस्टों को मौत की सजा हत्या की वजह बन रही है? किन आंकड़ों के आधार पर एक मुख्यमंत्री ऐसी बात कर रहे हैं? तो क्या रेपिस्टों को हल्की सजा देकर माफी दे दी जाए? क्या गहलोत ने यह सोचा कि उनके बयान का क्या असर हो सकता है? आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विवादित बयान, फांसी की सजा की वजह से रेप के बाद हत्या के मामले बढ़े हैं, ये कहा अशोक गहलोत ने। गवाही न दें इसलिए पीड़िता की हत्या कर देते हैं, ये कहा अशोक गहलोत ने। फांसी के कानून की वजह से हत्या के मामले बढ़े हैं, ये कहते हुए अशोक गहलोत। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ Money9 पर, अभी डाउनलोड करें। ये तमाम जो माहौल बन रहा है, कहीं रेप हो रहे हैं बच्चों के साथ में, और बच्चों ने जब से कर दिया है कि भाई उसको फांसी सजा मिलेगी। अभय कांड जो निर्भया के बाद में जो कर दिया है कि आपको फांसी सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हत्याएं बहुत ज़्यादा होने लग गई बच्चियों की। रेप करने वाला देखता है कि ये तो गवाह बन जाएगी कल मेरे खिलाफ में, तो वो रेप भी करते हैं और हत्या भी कर देता है बच्चियों की। ये बहुत बड़ी चलन पूरे मुल्क में मैं देख रहा हूँ, जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत खतरनाक ट्रेंड है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम बातें देश के अंदर जो हालात है वो एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा संकट का समय है, हमने ऐसा समय कभी नहीं देखा। तो रेप पर आखिर ये क्या बोल गए गहलोत? निर्भया कांड का जिक्र करते हुए वो क्या कहना चाहते थे, ये जरा समझिए आप। निर्भया कांड के बाद फांसी की सजा वाला कानून बना और उसके बाद आरोपी रेप के बाद पीड़िता की हत्या कर देते हैं, यह कहा अशोक गहलोत ने। उन्होंने कहा कि पुलिस की पकड़ में आने से बचने के लिए हत्या कर देते हैं बलात्कारी। आरोपी के खिलाफ पीड़िता गवाही दे देगी इसलिए मर्डर कर देते हैं रेप करने वाले। हत्या करने की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है, यह कहा अशोक गहलोत ने। उन्होंने कहा कि हत्या का चलन पूरे देश में सामने आया है, हत्या कर देना बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, यह कहते हुए अशोक गहलोत। हो सकता है उनकी मंशा सही हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस पूरी बात को कहा, इस पर एक नया विवाद पैदा हो गया है और बीजेपी ने इसको लेकर अशोक गहलोत को घेरा है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हैं। अनिला सिंह है बीजेपी की प्रवक्ता और महिमा सिंह है कांग्रेस की प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत है। और महिमा जी, पहला सवाल तो आपसे ही। अशोक गहलोत एक सीजन पॉलिटिशियन है, अशोक गहलोत कभी भी ऐसे लूज टॉक नहीं करते, अक्सर वो जो भी बात करते हैं उसमें गंभीरता दिखती है। आखिर इस मुद्दे पर अशोक गहलोत ऐसा क्यों बोल गया और क्या कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान का समर्थन करती है? गौरव जी, बहुत शुक्रिया इस अवसर के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, चर्चा का विषय है, क्योंकि एक बात ऐसी जो अशोक गहलोत जी ने कही है। और शुक्रिया आपका इस बात के लिए भी कि आपने पहले ही कह दिया कि सीजन्ड पॉलिटिशियन है, बहुत वरिष्ठ राजनेता है, मुख्यमंत्री है राजस्थान के, और बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने ये बात कही है। मुझे इस पूरे बयान में, इस बात में कोई भी खामी नजर नहीं आती। वकील भी हूं पेशे से, इसलिए भी ये बताऊंगी कि क्यों नजर नहीं आती। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि चिंता का विषय इस देश के अंदर भाजपा के नेताओं, विधायकों, मुख्यमंत्रियों द्वारा बार बार दिए गए जो बयान हैं, जैसा कि मैं याद दिला दूं कि सुरेंद्र सिंह है एक विधायक भाजपा के उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने 2020 में बड़ी महिमा जी मुद्दे पर रहते हैं। बीजेपी के नेताओं ने अगर ये बयान दिया होता तो अभी हम उनसे सवाल पूछ रहे होते। एक गलत बयान से दूसरे गलत बयान को जस्टिफाई करने का अभी मौका नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको इसमें क्या वाजिब बात नजर आती है? क्या अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि रेपिस्टों को फांसी नहीं देनी चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि रेपिस्ट को कड़ी सजा नहीं देनी चाहिए? आप अपने तरीके से उत्तर लेंगे या मुझे मेरे अवसर का सदुपयोग करने देंगे? आप बोलिए, लेकिन मैं आपने सवाल का जवाब तो मांगूंगा आपसे, आप बोलिए। तो मैं अपनी आपके सवाल का जवाब देने से ना इनकार कर रही हूं, और मैंने पहले ही कहा कि वकील हूं, इसलिए बड़े कानूनन बिंदुओं के साथ मैं उसका जवाब दूंगी। लेकिन उससे पहले ये देखना भी तो जरूरी है कि परिप्रेक्ष्य क्या है। अशोक गहलोत जी ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि पूरे देश भर के अंदर एक बढ़ती हुई टेंडेंसी नजर आ रही है, जहां पर पहले रेप्स के बाद हत्या के मामले इतने नहीं थे और आज ये देखा जा रहा है कि पीड़िता बयान न दे दे बाहर निकल के, इसलिए उसकी साथ साथ हत्या भी कर दी जाती है। इस बयान नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, उनका मकसद क्या था ये बोलने का? आप हस्तक्षेप करेंगे गौरव जी? नहीं, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा, मैं वही पूछ रहा हूँ, बयान हमने सुना, उनका मकसद क्या था? मैं भाजपा के प्रवक्ता की अवसर का इंतजार करती हूँ कि वो हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन आप भी हस्तक्षेप करेंगे तो चर्चा सुचारू नहीं हो पाएगी। पूछ रहा हूँ बस उनका मकसद समझाइए। रेलेवेंट बात करूंगी गौरव जी, मैं रेलेवेंट बात करूंगी, और इसीलिए पूरे परिप्रेक्ष्य को देख लेना जरूरी है। जहाँ नूडल्स खाकर रेप होते हैं ऐसे बयान आते हैं, जहाँ लड़कियां कपड़े ठीक नहीं पहनती हैं इसलिए उनके रेप होते हैं, मनोहर लाल खट्टर का बयान है, ऐसे बयान आते हैं, जहाँ पे मोहन भागवत जी का बयान आता है कि ग्रामीण इलाकों में रेप ज्यादा हैं, अर्बन में नहीं है, या फिर जहाँ पे कुलदीप सिंह सेंगर जैसे विधायक हैं या कैलाश विजयवर्गीय। मेरे पास क्योंकि समय नहीं है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूँ। मुझे एक आखिरी सवाल, अभी आपके पास और सवाल आऊंगा, लेकिन मुझे मेरा सवाल अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, मकसद क्या था अशोक गहलोत का? मैं आपकी बात का जवाब बिल्कुल दे रही हूँ, लेकिन यदि आप 2 मिनट में चर्चा खत्म करने वाले हैं। मेरे पास और भी पैनलिस्ट है, उनको भी जवाब का देने का मौका देना है। आपको बहुत मौका दिया, मकसद क्या था अशोक जी का? विजयवर्गीय जी ने भी क्या कहा था, उन्होंने भी कहा था कि लड़कियों में संस्कार नहीं है, सीता जैसे संस्कार हो तो रेप नहीं होगा। लेकिन जो अशोक गहलोत जी ने कहा वो तो सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है। सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी बड़ी जजमेंट्स जो जिन्हें हम लैंडमार्क जजमेंट्स बोलते हैं, उनके अंदर बात के ऊपर एम्फेसिस मिलता है गौरव जी कि हमारा जो पनिशमेंट सिस्टम है, हमारा जो प्यूनिटिव सिस्टम है, रिफॉर्मेटिव है, रेट्रीब्यूटिव नहीं है। आप ये कह रही है कि एक ट्रेंड है जिसके बारे में अशोक गहलोत बात कर रहे थे और इसको आप बिल्कुल गलत नहीं मानते। मैं अब अनिला सिंह जी के पास जाऊंगा, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अनिला जी, बहुत गंभीर मसला है रेप, और अशोक गहलोत जो कि एक स्टेट के सीएम हैं, वो ये कहते हुए कि एक ट्रेंड सा दिख रहा है कि जहां पर रेपिस्ट महिलाओं का मर्डर कर देते हैं, रेप करने के बाद बच्चियों का मर्डर कर देते हैं ताकि उनको फांसी ना हो जाए। अब इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है। अगर वो एक ट्रेंड का हवाला दे रहे हैं तो बीजेपी का क्या विरोध है इस पर? मेरी सबको राम राम। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पर अशोक गहलोत से कुछ नहीं कह सकती हूँ। जहाँ महिलाओं का ना हो सम्मान, कांग्रेस पार्टी है वो स्थान। यहाँ पर बैठकर महिमा सिंह जी जो हैं जस्टिफाई कर रही हैं कि अशोक गहलोत जी ने जो कहा। पर मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं को आपके राजनीतिक दलों में बांटेंगी, महिलाओं को आप जाति में बांटेंगी, महिलाओं को आप आएंगे अभी सुन लेते बांटेंगी, महिलाओं को आप स्टेट्स में बांटेंगी, राज्यों में बांटेंगी। शर्म नहीं आती कांग्रेस पार्टी को? गौरव जी, आपने कहा अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर लीडर है नेशनल कंफ्यूज पार्टी के। जी, अशोक गहलोत जी बेहद सीनियर लीडर है इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी के, इसलिए कंफ्यूज होकर ये बयानबाजी कर रहे हैं। निर्भया एक्ट जो है इतना मजबूत कर दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जिसकी वजह से कम हुए हैं आंकड़े, कम हुए। परंतु मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, यहाँ पर आंकड़े कम हुए हैं, पर राजस्थान जो है अव्वल नंबर पे है। यही अशोक गहलोत है। अगर आप 14 मई 2021 इनका बयान है, ऐसी महिलाओं से रेप के सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, यानी ऐसी महिलाओं के लिए कह रहे हैं झूठे मुकदमे दायर करती हैं। नहीं, लेकिन अनिला जी वो ये कह रहे हैं, अनिला जी सुनिए, कांग्रेस ये कह रही है कि अशोक गहलोत ने जस्टिफाई नहीं किया। कांग्रेस ये कह रही है कि उन्होंने एक ट्रेंड का हवाला दिया जो देखने को मिल रहा है देश भर में। आप ही का टर्न है, आप ही बोलिए। महिला होने के नाते तर्क अनुसार उत्तर भी दूंगी, प्रश्न भी करूंगी। इसी साल मई में अशोक गहलोत जी ने कहा जो क्राइम हो रहा है, रेप हो रहे हैं, काफी हद तक उसके पीछे बेरोजगारी का कारण है। क्यों नहीं बेरोजगारी अपने राज्य में घटा रहे हैं? और आज ये उन्होंने जो बयान दिया, इन्हीं के नेता शांति धारीवाल जो अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर, वो कह रहे हैं इस मार्च में उन्होंने बयान दिया रेप के मामले में हम नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं। राजस्थान तो वैसे भी मर्दों का प्रदेश है, इसका क्या करें? जवाब दीजिए महिमा जी, महिमा जी जवाब दीजिए। ठीक है, अनिला जी जवाब दे लेते हैं। महिमा जी, एक बात तो है, एनसीआरबी जिन आंकड़ों को कोट कर रही है यहाँ पर एना सिंह, एक आंकड़ा मेरे पास भी है और वो एनसीआरबी का है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का, जो कि 2020 के मामलों में कहता है कि 2020 में दुष्कर्म के 5,310 मामले राजस्थान में दर्ज किए गए, 2019 में 5,997 मामले आए और दोनों ही साल दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान देश में पहले नंबर पर रहा। तो अशोक गहलोत अगर ये कहते कि आजकल रेप की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं और हम ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो अपनी कुछ वहाँ पर दुविधा जाहिर करते तो समझ में आता, लेकिन बजाय इसके जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर इस कानून पर सवाल उठाया, आपको लगता नहीं कि ये रेप के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करेगा? जैसे प्रधानमंत्री ने बाहर आके हाथरस, उन्नाव और कठुआ के ऊपर आपत्ति जता दी होगी, उसी तरह से आप उम्मीद कर रहे होंगे कि हमारे नेता आकर के बोल दें। वो भी आप ये जानते हैं कि जब कोरोना की वैक्सीनेशंस करने की बारी आई तो भारत ने कहा कि आप देखिए जनसंख्या का साइज देखिए, आप देश के अंदर भी ये देखिए कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये देश के बड़े प्रदेशों में से एक हैं और एनसीआरबी का डेटा आप कभी भी उठाएंगे तो जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां ये प्राकृतिक सी बात है, जाहिर सी बात है। नहीं तो फिर इस मामले में तो उत्तर प्रदेश अव्वल आ जाना चाहिए था मैम। उस हिसाब से तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या राजस्थान से भी ज्यादा है, जबकि वहां मामले राजस्थान से कम है एनसीआरबी के मुताबिक। मैंने यहीं पर बता दिया और उसके अलावा न जाने कितने ज्यादा वहां पर और भी है। लेकिन उसके साथ साथ आपने सवाल ये पूछा कि क्या स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए था? क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी भी किसी बेटी के साथ हुए गैंगरेप, जो कि इनके सरकार में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, जो ये कानून का हवाला दे रहे हैं? मैंने तो रिफॉर्मेटिव और रेट्रीब्यूटिव प्यूनिटिव सिस्टम की बात। आपके पास कोई डेटा है तो आप रखिए, मैं बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह से जवाब रखूंगा, आप आंकड़ा रखिए। मैंने आपको एनसीआरबी के आंकड़े बताए, आप रहिए। महिमा जी और अंजल जी, आप दोनों लोग मेरे साथ रहिए। आपको आप दर्शकों को जरा कुछ और जानकारी इस बारे में देते हैं, फिर आप लोगों के पास आऊंगा। बताते हैं आपको कि क्या कहता है देश का कानून, देश का कानून बच्चों को लेकर क्या कहता है, बच्चों के साथ इस तरह के यौन शोषण के मामलों को, रेप के मामलों को लेकर क्या कहता है। पॉक्सो कानून में 18 साल से कम को बच्चा माना गया है और पॉक्सो कानून के तहत बच्चियों से रेप के मामले में फांसी की सजा तय की गई। 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में दोषी होने पर फांसी दी जाएगी। 12 साल से कम उम्र की बच्ची से गैंगरेप में उम्र कैद और अधिकतम फांसी का प्रावधान है। 16 साल से कम उम्र की बच्ची से गैंगरेप पर ताउम्र जेल और 16 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में अग्रिम जमानत नहीं, ये इस कानून के प्रावधान है। बच्चे को गलत तरीके से छूने पर 3 से 5 साल तक की कैद है। बच्चों से पोर्नोग्राफी कराने पर कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्र कैद का प्रावधान है। आरोपी को जमानत देते समय पीड़ित पक्ष की मौजूदगी जरूरी है। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।